जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, मिट्टी ठहरने से 5 मजदूरों की मौत की खबर। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपके सामने जालौर से है, मिट्टी ठहरने से 5 लोगों के जान जाने की खबर है। कोतवाली पुलिस पहुंचे मौके पर। जालौर के ग्रेनाइट फैक्ट्री में मिट्टी ठहरने से यह हादसा हुआ। एक बच्चे और 4 युवकों की मौत हुई है, ये कहा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लूणा राम जुड़ चुके हैं। लूणा राम, क्या वजह है हादसे के पीछे और 5 लोगों की जान गई है अभी तक की जानकारी? जालौर के रिको एरिया में जो फैक्ट्री है ग्रेनाइट की, वहां पर कुएं की खुदाई चल रही थी और कुएं की खुदाई के दौरान 4 मजदूरों और एक बच्ची जो वहां पर मौजूद थी उन पर मिट्टी ढह गई, जिससे 5ों की मौत हो चुकी है। सूचना पर कोतवाली पुलिस और पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल का जायजा लिया गया है और जो 5 शव है उनको तत्काल राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। अभी 5ों को मृत घोषित करने के बाद में राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में शवों को रखा गया है और पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है कि ग्रेनाइट फैक्ट्री में एक लापरवाही के चलते जो कुएं की खुदाई चल रही थी उस मिट्टी ढहने से ये हादसा हुआ और 5 लोगों की जान चली गई, जो एक अपने आप में एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। जी, 5ों में एक मासूम बच्चा भी है ये कहा जा रहा है। लूणा राम, कितने साल का बच्चा है और कितने मजदूर यहाँ पर कुल काम कर रहे थे? ये एक मासूम बच्ची है और बच्ची के साथ में 4 मजदूर लोगों की मौत हुई है और जो कुआं खुदाई चल रहा था ग्रेनाइट फैक्ट्री के अंदर, वहाँ की ये जो फैक्ट्री है उसके प्रबंधन की बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि मिट्टी ढहने से 5 लोगों की जान चली गई। जिस तरीके से पुलिस ने सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, घटनास्थल का जायजा लिया गया है और एक्सक्लूसिव विजुअल में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो जहाँ पर खुदाई चल रही थी कुएं की, वहाँ के एक्सक्लूसिव विजुअल पे आप देख पा रहे होंगे इसी जगह पर ये हादसा हुआ है। कुल कितने मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर लूणा राम? हाँ, ये अभी जानकारी पूरी तरह नहीं मिल पाई है क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ आनंद फानंद में इन्हें मिट्टी ढहने से ये दब गए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया जिसके बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचाया तब तक इन 5ों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस पुलिस ने पहुंचाने के बाद में पूरे मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ठीक है, अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर? जी, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर नम्रता वर्षनी, एसपी श्याम सिंह, उन्होंने भी पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है, पूरे मामले में जानकारी ली है और जो कोतवाली पुलिस है वो तत्काल हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन जो मिट्टी ढहने से एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जो ग्रेनाइट फैक्ट्री है उनके प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि मिट्टी ढहने से 5 लोगों की जान चली गई। जी, अब प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी दी गई हो, क्योंकि कुल कितने मजदूर थे ये भी साफ होना बहुत जरूरी है। 5 की जान चली गई है मिट्टी ढहने की वजह से, और भी क्या मजदूर वहां पर थे इसको लेकर जानकारी कब तक मिल पाएगी? लूणा राम, किसी से बातचीत हो पाई आपकी? कोतवाली पुलिस लगातार मौके पे हैं और जहाँ पर राजकीय अस्पताल में वहाँ पर भी पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। कुछ ही देर में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, जो पूरी जानकारी है वो साझा करेंगे कि मौके पे किस तरीके से काम चल रहा था, किस तरीके से मिट्टी ढही और इसमें किसकी लापरवाही, उसको लेकर पुलिस जाँच कर रही है। लेकिन फिलहाल पहली जानकारी यही निकल कर आ रही है कि मिट्टी ढहने से 5 लोगों की जान चली गई है। जी।